हेलो, एम के जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से मैं डॉक्टर एम के जैन आप सबका इस कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग सेशन में वेलकम करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे जिन बच्चों ने 12th क्लास का एग्ज़ाम अभी दे दिया है और वो जो बच्चे मेडिकल या आईआईटी के लिए एक ड्रॉप लेना चाहते हैं। ये मेरी जो पूरी आज का जो चर्चा रहेगी ये उन्हीं बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अपना 12th क्लास का एग्ज़ाम दे दिया है, रिज़ल्ट उनका आ चुका है और जिनके जो भी कुछ परसेंटेज जो उन्होंने काम किया था उस तरह से उनको परसेंटेज मिले हैं। अब सामने चॉइस ये है आपके कि अगर आपने साइंस बायोलॉजी में क्लास 12th को अगर आपने क्लियर किया है तो अब नेक्स्ट क्या करना है, और अगर आपने साइंस मैथमेटिक्स में आपने 12th को क्लियर किया है तो अब आगे क्या करना है। देखिए, अगर आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं कि मुझे मेडिकल के फील्ड में ही जाना है, राइट, मुझे आईआईटी वाले कॉलेज में ही जाना है, तो मेरा आंसर आप सब बच्चों को होगा कि आपको ड्रॉप करना है, राइट, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, हम कई लोगों से मिलते हैं, आप भी मिलेंगे, तो कई लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बाद ये कंप्लेन करते हैं कि काश वो मैं कर लेता तो आज मैं ये होता। कई लोगों को मैंने देखा है जीवन भर उनको रिग्रेट होता है कि अगर मैं मेडिकल के प्रोफेशन में होता, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो आई वुड बी मोर सक्सेसफुल, मैं ज़्यादा सक्सेसफुल होता, मैं ज़्यादा प्रसिद्ध होता, मुझे ज़्यादा इज्जत मिलती। या फिर कई लोगों को जिनका इंजीनियरिंग में है कि मैं अगर आईआईटी में होता तो मेरा फ्यूचर कुछ और होता। जीवन के हर फील्ड में ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ में होता है, लेकिन अभी आपके पास वक्त है, एक मौका जीवन को देना ही चाहिए, एक बड़ा मौका जीवन को देना ही चाहिए। और वो बड़ा मौका है कि अगर आपके पास 12th में साइंस बायोलॉजी थी तो आप एक ड्रॉप लें, कंप्लीट, आधा अधूरा नहीं। ड्रॉप मींस ड्रॉपर बैच, ईयर लॉन्ग कोचिंग हम बोलते ही इसलिए हैं कि आपने पूरी तरह से बाकी सब आइडिया ड्रॉप कर दिए हैं, एक ही आइडिया के साथ आप जी रहे हैं कि मुझे MBBS करना है, नीट UG के एग्ज़ाम को क्लियर करना है, मुझे IIT के कॉलेज में जाना है, मुझे IIT को क्लियर करना है। यही आपका एक ड्रॉप करने का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब आपने बाकी सब आइडिया ड्रॉप कर दिया, अभी कोई कॉलेज नहीं है, अभी कोई और कोर्स की तैयारी नहीं है, 1 ईयर आपको देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये 1 ईयर देने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मैं कहता हूँ इसकी इट डजंट गिव यू गारंटी कि आपने अगर मान लीजिए 1 ईयर ड्रॉप किया है तो अब आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% है, नहीं। लेकिन एक लाइन ध्यान रखना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और केवल केवल सोचने वालों की जीत नहीं होती। करने वालों के लाइफ में जीत का कुछ स्कोप है। मैं ये नहीं कहता कि हर वो बच्चा ड्रॉप करेगा वो डॉक्टर बन ही जाएगा, लेकिन अगर आपकी जिद है, आपकी जुनून है, अगर आपका पूरा की पूरा फिक्स था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है तो ड्रॉप करिए। क्यों नहीं करना, मैं तो ये पूछता हूँ, ड्रॉप क्यों नहीं करें, ड्रॉप करो। 1 साल जीवन में बड़े टारगेट को कुछ लगाओ, समय लगाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दौड़ता है, आप उससे पूछेंगे तो लोग हंसेंगे, क्या 1 किलोमीटर दौड़ सकता है? अरे भाई, जब वो 10 किलोमीटर दौड़ सकता है तो 1 किलोमीटर तो दौड़ ही सकता है। इसलिए जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, तो जो छोटे छोटे बीच के पड़ाव होंगे वो तो आप कर ही सकते हैं, उसमें तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं है।
राइट, छोटे छोटे डेस्टिनेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली जाना है तो बीच में चित्तौड़ आएगा, बीच में जयपुर आएगा, ये छोटे छोटे डेस्टिनेशन तो लाइफ में आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मेडिकल की तैयारी करते हैं, जब आप IIT की तैयारी करते हैं, तो चाहने में या अनचाहने में कैसे आपकी बाकी सब एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है, एक तरह से ज़िंदगी की तैयारी हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पर जम के मेहनत करनी पड़ती है। बट मैं फिर कहूँगा 100%, नॉट लेस देन 100%, तो ड्रॉप करना चाहिए। मेडिकल का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ में आपका सम्मान भी बढ़ता है और आपके पैसे कमाने की ताकत भी बढ़ती है। अच्छा, कई लोग आपसे कुछ नेगेटिव बात करेंगे, साल खराब हो गया तो। अच्छा चलो, साल खराब नहीं, और आपने BSc का फर्स्ट ईयर कर लिया तो क्या हो जाएगा? आप कौन से आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे? कौन सा आप सूरज की तरह चमकने लगेंगे? कौन से आपको दुनिया भर के अवार्ड मिल जाएंगे? करके तो देखो एक बार। कई लोग दूसरी नेगेटिव बात करेंगे कि 8-10 साल लग जाएंगे। मुझे बताओ, इस दुनिया में कौन सा है जिसे पढ़ाई की और पढ़ाई करते कि कमाने लग गया हो? सबको 4-5 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब फिर वो अच्छा कमाते हैं। तो नेगेटिव बातें आपके चारों तरफ बहुत होगी, क्योंकि हर वो व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आपको नीचे खींचना चाहेगा। ये चंद्रमा तो है नहीं, ये तो अर्थ प्लेनेट है, यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो विचारों का ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो आपको नीचे लाने की कोशिश करेगा। आपको इन सब जो कीचड़ जैसे विचार है, इनसे कमल की तरह बाहर आना पड़ेगा, तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। मैं नहीं कहता आपका सिलेक्शन मेडिकल या IIT में हो जाएगा, पर मैं ये दावा करता हूँ कि आपकी लर्निंग बहुत हो जाएगी। सिलेक्शन हो भी सकता है, हो भी जाएगा, कई बच्चों का होता है इसी तैयारी करने से, लेकिन आप लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे। और छोटे छोटे डेस्टिनेशन जो इसके पहले होते हैं, वहाँ तो आप सब जगह जा ही सकते हैं। तो मेरा जो एक था कि मेन फोकस के ड्रॉप करना चाहिए। आपका भी अगर ये प्रश्न है, ड्रॉप करूँ या नहीं करूँ, तो इफ बट को निकाल के कोने में डस्टबिन में फेंकिए और ड्रॉप करिए। अब तीसरी चीज, मेडिकल कॉलेज के बारे में बहुत सारे मिथ है, मैं अपने अलग अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन एक तीसरी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मेडिकल की जब आप तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट सीट भी होती है और प्राइवेट सीट भी होती है। नो डाउट प्राइवेट में फीस लाखों में होती है, लेकिन एक नया चेंज हुआ है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको आधी सीट गवर्नमेंट सीट के लिए रिजर्व करनी पड़ेगी। मान लीजिए एग्जाम्पल कि एक्स कॉलेज आपके घर के पास है, प्राइवेट है, तो उसके अंदर 100 सीट है मेडिकल की, तो 50 सीट तो उसको गवर्नमेंट के लिए रिजर्व करनी पड़ेगी। मतलब उस पर वही उसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, वो गवर्नमेंट का पूरा पूरा क्राइटेरिया रहेगा, राइट। और उसका फीस का जो होगा शेड्यूल, वो भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स होगा। तो इसलिए नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत बढ़ने वाली है। और आपको और क्यों करना चाहिए मेडिकल IIT, क्योंकि इंडिया के नेक्स्ट आने वाले 10 ईयर्स टेक्निकल फील्ड के हैं, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो IIT हो, ठीक है। इस तरह के कोरोना पेंडेमिक के बाद में मेडिकल का प्रोफेशन का जो है वो स्कोप भी बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ सीट्स भी बड़ी है और लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपार संभावनाएं हैं, तो आपको ड्रॉप करना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आजकल एजुकेशन, क्योंकि जब आप करेंगे तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर होंगे, तो सीइंग इज बिलीविंग। आप जाइए, रिजल्ट्स को देखिए, टीचर से मिलिए, देन मेक अप योर माइंड। लेकिन देरी मत करिए, जितना देरी करेंगे आपको ही नुकसान होगा। कई बच्चे 2-3 महीने बाद ज्वाइन करते हैं तो उनका खुद का ही लॉस होता है। तो मैंने जो भी बच्चे जिनके 12th में साइंस बायोलॉजी या साइंस मैथमेटिक्स है, बिना टाइम गंवाए आपको ड्रॉप करना चाहिए। MKGM क्लासेस में भी हम ईयर लॉन्ग कोर्स चलाते हैं, ड्रॉपर बेच चलाते हैं, जिसमें आप मेडिकल और IIT के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।